आज हम बनाएंगे आधी कटोरी मिल्क पाउडर से 1 किलो बर्फी। और ये बर्फी रेसिपी पसंद आएगी आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये मिठाई फ्रेश मुंबई की फेमस मिठाई है और इसको मुंबई में अफलातून नाम से ये मिठाई को जाना जाता है और ये फेमस मिठाई बहुत ही महंगी मिलती है। और ये रेसिपी हम आपको घर पर तैयार करके दिखाएंगे बहुत ही इजीली, बहुत ही सिंपल तरीके से। और देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं कि हमने बनाया कैसे है ये मिठाई। बर्फी बनाने के लिए मैंने गैस पर रख दिया है कढ़ाई, इसके अंदर हम देसी घी डाल देंगे और ये ताज़ी देसी घी है इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि मैंने अभी अभी घी निकाला है और बिल्कुल ताज़ी है ये। यहाँ पर देखिए घी गर्म हो गया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सूजी। और मैंने सूजी आधी कटोरी लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, चम्मच से बोले तो 4 चम्मच होगा, ज़्यादा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, गैस को मीडियम फ्लेम पर करके सूजी को भुनेंगे और तेज़ कर देंगे तो जल्दी से ये डार्क हो जाएगा और कच्चा रह जाएगा, आपका बर्फी में अच्छा नहीं बनेगा। इसीलिए मैं क्या करूँगी, गैस को मीडियम फ्लेम पे करके ही भूनूंगी। और फ्रेंड्स, इस जिस तरीके से मैं बर्फी बना रही हूँ आप इस तरीके से ट्राई जरूर से कीजिएगा, बहुत ही डिलीशियस बर्फी बनकर तैयार होती है। यहाँ पर देखिए बर्फी के लिए मैंने सूजी अच्छा से भून लिया है, देख सकते हैं। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कटोरी दूध, और दूध ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें आगे भी बहुत कुछ डालना है बर्फी बनाने के लिए। और जो भी मैंने सामान यूज किया है फ्रेंड्स, आपको हर सामान वो किचन के अंदर ही मिल जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूध डाल के गैस को एकदम लो, देखिए सूजी ने दूध को बिल्कुल एग्जॉर्ब कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर, और मिल्क पाउडर मैंने 1 कटोरी से थोड़ा सा कम लिया है। देखिए अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सूजी के अंदर, और मिल्क पाउडर से क्या होता है कि बहुत बढ़िया टेस्ट बढ़ जाता है बर्फी के अंदर और बिल्कुल मावा के काम करता है मिल्क पाउडर। यहाँ पर देखिए मैं बहुत बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहीं पर ऐड कर देंगे चीनी, मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ऐड किया है, आप अपने हिसाब से चीनी ऐड कीजिए आपको जितना मीठा पसंद है। और यहाँ पर हम चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे और चीनी थोड़ी देर में ही पानी छोड़ देगा, इसीलिए हम मीडियम फ्लेम पे करके भूनेंगे, यहाँ पर मिक्स करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने बहुत बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने घी निकाला था फ्रेंड्स उसका जो खुरचन बच जाता है वो हम ऐड कर देंगे, इसके अंदर भी बहुत सारा घी होता है। यहाँ पर देखिए 3 से 4 चम्मच है, इसे भी हम ऐड कर देते हैं क्योंकि ये वेस्ट क्यों हम करें, इसमें हम बर्फी बनाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे ब्रेड क्रम, ब्रेड क्रम से बहुत टेस्टी बर्फी बनकर तैयार होती है फ्रेंड्स, आप डालकर एक बार ट्राई उसे कीजिएगा। यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स इलायची पाउडर 1/2 चम्मच ऐड कर दिया है, और क्योंकि मैं आगे वीडियो निकल गई थी तो बता नहीं पाई थी। यहाँ पर हम अच्छे से ब्रेड क्रम को मिक्स कर लिया है देखिए, और घर के बर्फी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है, मार्केट से भी टेस्टी, क्योंकि हमको पता होता है कि हम बर्फी के अंदर क्या डाला है क्या नहीं डाला है और बिल्कुल केमिकल नहीं होता है, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हमारा बर्फी बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ पर देखिए कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब बहुत बढ़िया से ये पेस्ट बनकर तैयार है बर्फी जमाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देते हैं, कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे और आपको हम बर्फी जमा कर दिखाते हैं। यहाँ पर अब हम केक टिन के अंदर क्या करेंगे, थोड़ा सा घी ग्रीस कर देंगे चारों तरफ से ताकि जब हम बर्फी जमाएंगे तो बिल्कुल चिपकेगा नहीं, इजीली बाहर निकल आएगा। यहाँ पर देखिए मैंने बहुत बढ़िया से ग्रीस कर दिया है। अब हम जो पेस्ट बना के रखा है वो केक टिन के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं और चारों तरफ से हम बरोबर कर लेंगे यहाँ पर। और मैं यहाँ पर चम्मच की मदद से अच्छे से हम सेट करेंगे, आप चाहे तो कटोरी से भी सेट कर सकते हैं दबाकर। और 1 घंटे में ही बहुत बढ़िया से बर्फी बनकर तैयार हो जाएगा हमारा। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट लिया है बादाम के कतरन, इसे हम ऊपर से गार्निश कर देंगे अच्छे से देखने में ताकि अच्छा लगे। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने गार्निश कर दिया है बहुत बढ़िया से, और 1 घंटे में ही बहुत बढ़िया से हमारा बर्फी जम के रेडी हो जाएगा। फिर मैं आपको कट करके दिखाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कटोरी की मदद से अच्छे से इस तरीके से दबा देंगे ताकि जो बादाम के कतरन है वो अच्छे से सेट हो जाए इसके अंदर, दब जाए। उसके बाद हम आपको कट करके दिखाते हैं, 1 घंटे के बाद मिलते हैं। यहाँ पर बर्फी को जमते हुए 1 घंटा बीत चुका है, बर्फी बहुत बढ़िया से सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, आपको बर्फी को कट करके दिखा देते हैं, बर्फी बहुत बढ़िया से जमा है, पहले हम निकाल लेते हैं पेन के अंदर से। यहाँ पर देखिए मैं चाकू की मदद से छुरा लूँगी किनारे के ताकि बिल्कुल इजली बाहर निकल आए।
यहाँ पर देखिए हम बस पलट देंगे, ये बाहर आ जाएगा पेन के अंदर से। देखिए कहीं से टूटा नहीं है। अब हम कट करके आपको दिखा देते हैं और किसी भी शेप में आप कट कर सकते हैं। मैं देखिए किस तरीके से कट कर रही हूँ। और ये बर्फी बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत टेस्टी। और देखिए किस तरीके से मैं कट कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए अभी भी आप किसी शेप में इसको देंगे शेप बन जाएगा, और बहुत ही सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुआ है हमारा बर्फी, देख सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में ये टेस्टी है। अब हम क्या करेंगे, ट्रे के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको कैसी लगी, ज़रा सा अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। एक तोड़ के हम आपको दिखा देते हैं अंदर का टेक्सचर, ये बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंड्स। एक बार आप ट्राई जरूर से कर सकते हैं ये बर्फी। और फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको कैसी लगी, ज़रा सा अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।